देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तरकाशी जिले में पिछले 48 घंटों से रुक रुक कर हो रही बारिश से मोरी के आराकोट डगोली माकुड़ी गांव में नाले उफान पर हैं। जो सड़क है ये पीछे वाले ढा रहे सारे में लग रखा पानी। चल पार चल दुकान बिना परे बाहर क्या करेंगे। चल परे परे से आएंगे। वहीं बारिश से जिला मुख्यालय का संपर्क भी टूट चुका है। वहीं बरसाती नालों में भारी उफान आने के बाद कई घरों पर खतरा मंडराने लगा है। वहीं सेब के बगीचों को भी भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। लोगों ने पानी के उफान को देखते हुए अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शरण ली है। इन गंभीर हालातों को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने अधिकारियों की आपात बैठक ली। मोरी क्षेत्र में हुई तबाही से निपटने के लिए SDRF राजस्व टीम मौके पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि शनिवार रात्रि से मोरी क्षेत्र में भारी बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है। आराकोट से लगे डगोली गांव में दोनों तरफ नाले उफान पर हैं। गांव के नीचे की ओर भूदशाव होने से मकानों पर खतरा मंडराने लगा है। नालों के उफान पर आने से लोगों में दहशत और अफरा तफरी का माहौल है। लोगों के खेत पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। वहीं त्यूनी में भारी उफान के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे बाजार को भी खतरा बना हुआ है। वहीं हिमाचल में भी भारी बारिश के कारण हिमाचल से लगे क्षेत्रों की नदी और नालों का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे लोग दहशत में हैं। जिला मुख्यालय में बारिश से भारी भूस्खलन हो रहा है। हालात इस कदर के हैं कि गंगोत्री राजमार्ग बडेती व मनेरा से बंद होने के चलते उत्तरकाशी का शेष भारत से संपर्क टूट गया है। गंगोत्री यमुनोत्री राजमार्ग पूरी तरह से बंद पड़े हैं। रास्ते बाधित होने के कारण दोनों तरफ से दर्जनों गाड़ियां फंसी हैं और यात्री परेशान हैं। कंटिन्यूस रेन के कारण आज सुबह से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, आराकोट का जो इलाका है उसमें कुछ गांवों में पानी बढ़ने के कारण नदी में कुछ मकानों की क्षति का और कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना है। उसी क्रम में हमने DM शिमला से और DM देहरादून साहब से बात करते हुए वहां से आपदा प्रबंधन की टीम्स भिजवाई हैं। साथ ही हमारी चक्राता में आर्मी से भी बात की हुई है ताकि जल्दी से जल्दी हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्स पहुँच सके। लेकिन रास्ते में त्यूनी के आसपास में रास्ता बंद होने के कारण वहाँ मदद पहुँचाने में थोड़ा टाइम लग रहा है और उनको रास्तों को खुलवाने के लिए भी SE प्लस XN को निर्देशित किया गया है कि तत्काल रास्ते खुलवाए जाएँ। साथ ही NDRF की टीम और ITBP की टीम भेजी गई है ताकि इवैक्यूएट करवाया जा सके, प्लस रिलीफ कमिश्नर बना के रिलीफ कमिश्नर्स भी भेजे जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा रिलीफ पहुँच जाए और लोगों को सेफ शेल्टर पर पहुँचाया जाए और सेफ रखा जाए।